दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि गर्मी आ गई है और दोस्तों गर्मियों के आते ही हमारे माइंड में ये टेंशन होती है कि हम स्टाइलिश दिखें कैसे, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में ना खाली स्टाइलिश दिखना बात नहीं होती दोस्तों, बात ये होती है कि आप गर्मियों में स्टाइलिश दिखने के साथ साथ कंफर्टेबल भी कैसे रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 ऐसी समर आउटफिट्स लाया हूं जिनको आप अगर कहीं वेडिंग्स में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो या फिर कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं तो आप इनको जरूर पेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन आउटफिट्स में आप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगने वाले हैं, तो दोस्तों आइए बात करते हैं उन आउटफिट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो के एंड बने रहना, मेरा नाम है विपिन पवार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा पहला पॉइंट आता है लिनन शर्ट्स एंड चीनोस। दोस्तों ये जो लिनन होता है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और ब्रेथेबल फैब्रिक होता है जिसके अंदर से जो एयर होती है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से सर्कुलेट हो जाती है, इसलिए दोस्तों जो लिनन की शर्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होती है, समर्स में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है। दोस्तों आप लिनन की जो शर्ट होती है उनको चीनोस के साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है उनके साथ ये इन समर्स में। दोस्तों आप लिनन की शर्ट्स के साथ लाइट कलर की चीनोस पहन सकते हैं, जैसे व्हाइट हो गई, क्रीम हो गई और भी बहुत सारे लाइट्स कलर होते हैं जिनको आप इनके साथ पेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है इन समर्स में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, पोलो टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है समर्स में। दोस्तों ये जो पोलो टी शर्ट्स होती है ये क्लासिक समर आउटफिट्स होती है जो कि हर समर्स में ट्रेंड में रहती है, जो कि एक ब्रेथेबल फाइबर से बनी होती है जैसे कॉटन हो गया, इसलिए दोस्तों ये समर फ्रेंडली क्लोथ्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं इन समर्स में। दोस्तों अगर आप कहीं बीच पर जा रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं दोस्तों आपको ये पेयर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट स्लीव शर्ट्स विद जींस। तो दोस्तों ये वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है समर आउटफिट्स में। दोस्तों आप जो शॉर्ट स्लीव की शर्ट होती है उनको जींस के साथ भी पेयर कर सकते हैं और साथ ही शॉर्ट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक होने वाला है इन समर्स में। और साथ ही दोस्तों ये जो हाफ स्लीव की शर्ट्स आती है इसको आप प्रिंटेड में ले सकते हैं, आप प्रिंटेड पैटर्न यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और साथ ही गाइस आप इसको लाइट कलर्स में भी परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, अगर आपको नहीं पता कलर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं तो दोस्तों इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों अब हमारा चौथा पॉइंट आता है सीर सकर सूट। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब वेडिंग्स में जाते हैं या फिर अपने ऑफिस में जाते हैं तो उनको कोट पैंट पहनने का बहुत ज्यादा मन करता है लेकिन गर्मियों की वजह से वो नहीं पहन सकते। दोस्तों आप सीर सकर सूट्स को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और ये गाइस इनकी खास बात ये होती है ये कॉटन जैसी बहुत ही ज्यादा ब्रेथेबल फाइबर से बने होते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आपको वेडिंग्स में अगर कोट पैंट पहनने का मन कर रहा है तो दोस्तों आप इन सूट्स को खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का याद रखना कि ज्यादातर अगर इंडोर में वेडिंग्स है तो ही इसको परचेज करें, अगर आउटडोर में कोई वेडिंग्स है ना तो गाइस उसके लिए आप इनको पेयर ना करें तो ही सही रहेगा। तो दोस्तों अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है ट्रॉपिकल प्रिंट शर्ट विथ व्हाइट पैंट। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इन समर्स में। तो दोस्तों आप ट्रॉपिकल या फिर फ्लोर वाली जो प्रिंटेड शर्ट आती है उनको आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है इन समर्स में। और साथ ही दोस्तों ये आपके जो लुक को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। दोस्तों इन समर्स में अगर आप वैकेशन पर गोवा या फिर बीच पर कहीं जा रहे हो तो दोस्तों आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। साथ दोस्तों जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो आता है टी शर्ट्स। दोस्तों अगर गर्मियों में टी शर्ट्स के बारे में बात ना करें तो गाइस आउटफिट ही क्या रह जाएगी, आउटफिट क्या रह जाएगी, कुछ बनानी। तो दोस्तों अब टी शर्ट्स की बात करें तो दोस्तों टी शर्ट्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समर्स आउटफिट में। दोस्तों आप इनको पैंट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों अगर आप जिम जा रहे हैं तो दोस्तों आप टी शर्ट्स को यूज कर सकते हैं। जो टी शर्ट्स होती है दोस्तों ये फ्रेंडली होती है बहुत ही ज्यादा समर्स में। दोस्तों बस आपको इसमें थोड़ी अपनी बॉडी शेप का ध्यान रखना होगा, अगर आप थोड़े दुबले पतले हैं तो दोस्तों वी नेक की टी शर्ट्स को अवॉइड करना, आपको राउंड नेक की टी शर्ट्स पहननी चाहिए। और अगर आपका शरीर अच्छा है तो गाइस आप वी नेक की टी शर्ट्स भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन वी नेक को मैं यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वी नेक आप वहाँ पे अवॉइड करें, इससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो बॉडी का ज्यादा एरिया कवर नहीं हो पाता जिससे टैनिंग हो जाती है, इसलिए दोस्तों अगर आप बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों राउंड नेक की टी शर्ट्स पहन सकते हैं और दोस्तों साथ ही आप सनस्क्रीन का यूज करें इन गर्मियों में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और जाते जाते अपने भाई के चैनल विपिन पवार को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फैशन और मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।